हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपस्टोन आईएएस। तो आज हमारा सेशन है हाउ लेजिस्लेचर कंट्रोल्स फाइनेंस, मतलब लेजिस्लेचर यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करती है, मतलब पैसे को कैसे कंट्रोल करती है हमारी लॉ मेकिंग बॉडी जो कि इंडिया में कौन सी है, पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट कैसे फाइनेंसिस को कंट्रोल करती है, इस बारे में हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट अ वेरी ओल्ड प्रिंसिपल, एक बहुत ही पुराने प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं जहाँ से कि ये सारा शुरुआत हुआ था, दैट इज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसकी शुरुआत हुई थी उन टाइम्स में जब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म की शुरुआत ही हुई थी, जब ये तय करना शुरू किया था कि जो टैक्सेस है उसको लगाने का राइट किसका है, लोगों से पैसे कलेक्ट करने का राइट किसका है। तो तब ये तय हुआ था कि कोई भी पैसा बिना रिप्रेजेंटेशन के नहीं लिया जा सकता, कि जब तक लोगों की मौजूदगी नहीं है उस बॉडी के अंदर, तो तब तक कि वो जब तक कि जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकसभा है जिसकी कि इलेक्शंस हम करते हैं, खुद करके वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, सिर्फ वही लोग हैं जो हम पे टैक्स जो है लगा सकते हैं कोई भी नया। सो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और इसी के चलते आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, क्या कहता है, नो टैक्स शेल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि लॉ की अथॉरिटी के बिना कोई भी नया टैक्स ना तो लिवाई किया जाएगा ना ही कलेक्ट किया जाएगा। इसीलिए एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्सेस विदाउट लेजिस्लेटिव सेंक्शन, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिना पार्लियामेंट से मंजूरी लिए हुए, बिना पार्लियामेंट से सलाह किए हुए कोई भी नया टैक्स जो है वो नहीं लगा सकती है। इसी के कारण सारी एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो सारी की सारी कंट्रोल की जा सकती है बाय कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस। वो कैसे, क्योंकि अगर पैसा जिसके हाथ में है ही इज द वन, ही और शी इज द वन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, कि अगर जिसके हाथ में पैसा के ऊपर कंट्रोल रखने की पावर रहेगी, दैट वे दे कैन कीप अ कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव्स। इस तरीके से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कौन कंट्रोल करता है, हमारा पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर को इसी तरीके से एजेंट ऑफ पीपल भी कहा जाता है, तो दे आर देयर टू इंश्योर दैट पब्लिक मनी इज स्पेंट इक्विटेबली एंड इकोनॉमिकली। इक्विटेबली का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि कहीं एक ही सेक्शन के ऊपर वो यूज किया जा रहा है, सबके लिए वो यूज किया जाना चाहिए, इक्विटेबली यूज किया जाना चाहिए। और इकोनॉमिकली मतलब ऐसा ना हो कि वो पैसा जिसमें वो पैसा यूज कर रहे हैं उससे कम में भी अगर हम उस पैसे को लगाते हैं उस चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई नया ब्रिज बनना था, मान लीजिए वो 100 करोड़ के अंदर भी बन सकता था बट आपने उसके ऊपर 200 करोड़ लगा दिए। तो इस तरीके की चीजों के ऊपर लेजिस्लेचर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यही काम जो है लेजिस्लेचर करता है व्हाइल इट कंट्रोल्स द फाइनेंसेस, पैसे को कंट्रोल करते हुए। इस फाइनेंशियल कंट्रोल के प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, कि जब भी आप फाइनेंसेस को कंट्रोल कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो भी हमारे मिनिस्टर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको हम कहते हैं, दे कैन नॉट रेज मनी बाय टैक्सेशन, बोरोइंग और अदरवाइज विदाउट अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, कि वो कोई भी टैक्स बिना पार्लियामेंट की अथॉरिटी के नहीं लगा सकते हैं। और वैसे ही जो ये सारा कंट्रोल है वो लोकसभा करेगा, लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के अंदर से जो लोकसभा है इसकी हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, वो बॉडी है लोकसभा जिसके लिए कि हम इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं। इसके कारण सिर्फ वही बॉडी है जिसका कि पूरा कंट्रोल है मनी बिल्स के ऊपर भी। मनी बिल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के थ्रू पास हो सकते हैं, उनके अंदर वो राज्यसभा में जाते जरूर हैं बट वो 14 डेज के लिए वहां पे रहते हैं एंड उसके बाद वो वहां से वापस आ जाते हैं, चाहे वो उसको पास करें या वो ना करें। सो दे लोकसभा हैज द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर मनी बिल्स। उसके अलावा डिमांड फॉर अ ग्रांट मस्ट कम फ्रॉम गवर्नमेंट। डिमांड फॉर अ ग्रांट का क्या मतलब है, जब हम बजट प्रोसीजर की बात करते हैं तो उसमें हमारा ये नाम आता है डिमांड फॉर अ ग्रांट, मतलब जितने भी पैसे गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं वो उनको अलग अलग डिमांड्स में पेश करती है। डिमांड्स की एक मिनिस्ट्री की ये डिमांड है या मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या डिमांड है, तो वो डिमांड फॉर अ ग्रांट मस्ट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई भी और उस डिमांड को पेश करता है तो लेजिस्लेचर उसे एक्सेप्ट
नहीं कर सकती, और वैसे ही न्यू टैक्स डिमांड या इंक्रीज इन टैक्स रेट शेल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ऐसे ही नए टैक्स की डिमांड या इंक्रीज करना है अगर टैक्स रेट, तो उसकी भी डिमांड कहाँ से आनी चाहिए? गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या प्रिंसिपल्स हैं? चार फाइनेंशियल कंट्रोल के, दो हमारे इस तरफ से हैं लेजिस्लेचर के लिए, दो प्रिंसिपल्स हैं कि पहली बात तो ये कि एग्जीक्यूटिव कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता बिना पार्लियामेंट की अथॉरिटी के। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि लोकसभा की एक एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, राज्यसभा का नहीं है। तीसरा क्या है कि डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए, किसी और के तरफ से नहीं आनी चाहिए। और चौथी डिमांड के चौथा प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी नया टैक्स डिमांड है अगर, तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए अगर टैक्स रेट को इंक्रीज करना है। नॉर्मल डिमांड फॉर ग्रांट भी और टैक्स डिमांड, टैक्स की डिमांड भी। तो ये है चार प्रिंसिपल फाइनेंशियल कंट्रोल के। तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल जो है लेजिस्लेचर जो करता है वो कितनी जगह पे करता है, कब कब करता है? पहले तो वो कर सकता है बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब पैसा निकालने से पहले, और दूसरा वो कर सकता है आफ्टर एप्रोप्रिएशन, मतलब पैसा निकालने के बाद, मतलब जब पैसा आप दे चुके हो सरकार को खर्च करने के लिए, उसके बाद वो कैसे कंट्रोल कर सकता है। और बिफोर एप्रोप्रिएशन मीन्स जब बजट अभी पास नहीं हुआ है, यानी कि जब अभी बजट पास कराना है उस समय पे क्या क्या अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास, तो उस बारे में बात करूंगा। और आफ्टर एप्रोप्रिएशन मीन आफ्टर द मनी हैज बीन सेंक्शन बाय द पार्लियामेंट, एंड दिस इज फॉर कीपिंग एन आई टू सी इट्स राइट यूटिलाइजेशन, कि वो अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कंट्रोल की, यानी कि कंट्रोल बिफोर एप्रोप्रिएशन, पैसा निकालने से पहले कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा बजट डिस्कशन, नेक्स्ट है कट मोशंस, देन है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, क्वेश्चन आर एंड एडजर्नमेंट मोशन। इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बजट डिस्कशन के ऊपर। तो जब पहले जनरल डिस्कशन चल रही होती है, बजट के अलग अलग फेजेस होते हैं, अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा बजट के फेजेस को। तो बजट के फेजेस में एक फेज होता है जनरल डिस्कशन का। तो जनरल डिस्कशन कौन सा फेज होता है? जिसके अंदर की प्रिंसिपल्स डिस्कस किए जाते हैं बजट के। तो ये वाला जो फेज होता है प्रिंसिपल्स डिस्कस किए जाते हैं जहाँ पे बजट के, तो उस फेज के थ्रू भी गवर्नमेंट जो है वो ये रिव्यू कर सकती है कि क्या गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ये रिव्यूज कर सकती है बेसिकली कि क्या गवर्नमेंट ने जो प्रिंसिपल्स यूज किए हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है। और साथ ही उसके बाद आता है जब वोटिंग करनी होती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, या फिर जब डिटेल डिस्कशन होती है एक एक डिमांड के लिए, तो उस समय पे आप डिस्कस कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो हर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और बाकी एजेंसीज की डिमांड्स को। एंड उसके अलावा हाउस कैन रिजेक्ट रिड्यूस द डिमांड्स बट कैन नॉट इंक्रीज देम। तो हाउस क्या है, इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, बट उनको इंक्रीज नहीं कर सकता। तो ये वाली पावर्स है हमारी पार्लियामेंट की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बजट डिस्कशन, बजट को डिस्कस करते हुए। नेक्स्ट हम आते हैं कट मोशंस पे। अब अगर उन्हें डिक्रीज करना है, मतलब हमने अभी बात की लास्ट स्लाइड के अंदर कि अगर हाउस जो है वो रिजेक्ट या रिड्यूस कर सकती है, तो वो रिजेक्ट और रिड्यूस कैसे कर सकती है? दैट इज थ्रू दिस कट मोशंस, मोशंस टू रिड्यूस द अमाउंट्स डिमांडेड एज ग्रांट्स। तो ये कोई भी मेंबर मूव कर सकता है, कैन बी मूव बाय एनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर रिड्यूसिंग द वोटेबल एक्सपेंडिचर फॉर डिमांड फॉर ग्रांट्स। आपको कोई भी डिमांड को अगर रिड्यूस करना है तो आप उस चीज के लिए इस तरीके के कट मोशंस यूज कर सकते हैं। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, पहला है हमारा पॉलिसी कट, दूसरा है इकोनॉमी कट और तीसरा है टोकन कट। तो ये तीनों मोशंस क्या है? पहला है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। तो इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड टू रुपीज वन, कि मतलब क्या है कि आपने कंप्लीट डिसअप्रूवल किया है पॉलिसी का, कि आप ये पॉलिसी को किसी भी हद तक नहीं चाहते हैं कि इसको एक रुपया से ज्यादा आप नहीं दे सकते। सो व्हाट यू विल से इज अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड टू रुपीज वन। एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट में आप क्या कहते हैं कि आपको कुछ पैसों से इस अमाउंट को रिड्यूस करना है, मतलब आपको इसका अमाउंट डिक्रीज करना है। इसका क्या मतलब है कि आपको ये पॉलिसी तो ठीक है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्या लग रहा है कि इसके लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं वो ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो आप उनको कम करने की बात करते हैं। नेक्स्ट आप आते हैं टोकन कट के ऊपर। टोकन कट क्या है, यहाँ पे आप कहते हैं कि अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज 100। मतलब क्या है इसका,
ये सिर्फ एक टोकन है, टोकन अमाउंट। जैसे कि आप जब कहीं पे भी कुछ जाते हैं, कुछ परचेज करते हैं, तो आप कुछ टोकन उस चीज के लिए ले देते हैं, कुछ टोकन अमाउंट देते हैं आप उस चीज के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई घर परचेज करना है, तो आप उससे पहले थोड़ा एक टोकन अमाउंट देते हैं उन्हें कि हाँ आप हमारी तरफ से, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का घर परचेज किया, तो आप 1 लाख रुपीज टोकन अमाउंट देते हो कि हाँ हम इसे खरीदेंगे, थोड़े टाइम बाद खरीदेंगे, लाइक दैट। तो उस चीजों, उस तरीके की चीजों को टोकन कहते हैं। तो टोकन क्या है कि सिर्फ एक छोटी सी एक चीज है जिसको कि आप ये दिखाने के लिए करते हो कि हाँ ये चीज को हम कह रहे हैं। सो यहाँ पे क्या टोकन कट से क्या मतलब है कि सिर्फ आप 100 रुपए काटते हो उनके जो उन्होंने डिमांड बढ़वाई है उसके अंदर से, सिर्फ किस चीज के लिए, वेंटिलेटर स्पेसिफिक ग्रीवियंस की, कोई स्पेसिफिक ग्रीवियंस बताने के लिए उन्हें कि हमें आपसे ये शिकायत है, इसके ऊपर आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके की चीजों के लिए टोकन कट मोशन जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ बजट पासिंग। तो बजट पास के टाइम पे ये अप्रोप्रिएशन बिल किस लिए यूज होता है, टू लीगलाइज द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट। एक्सपेंडिचर साइड से क्या मतलब है कि पैसा कहाँ से आपने जहाँ पे खर्च करना है। तो पैसा खर्च करने के लिए आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकलवाना पड़ेगा, तो उस खर्चे को निकलवाने के लिए आपको जो बिल पास करना पड़ता है, दैट इज अप्रोप्रिएशन बिल। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है उन सारे अमाउंट्स की जो कि ऑलरेडी अप्रूव कर चुका है पार्लियामेंट, ठीक है। तो पहले ही से ही पार्लियामेंट के अप्रूव की हुई चीजों की एक स्टेटमेंट बना के दे दी जाती है, और ये कह दिया जाता है कि इतने टोटल पैसे जो है हमें निकलवाने हैं अपनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या है, इट इज टू लीगलाइज द इनकम साइड ऑफ द बजट। जो आपने टैक्सेस लगाने हैं, टैक्सेस कब के लिए लगाते हैं, अगले साल के लिए। तो न्यू टैक्सेस जो आपने लगाने हैं उनको अप्रूव करने के लिए, उनको अप्रूव करने के लिए आप ये नया एक फाइनेंस बिल पास करवाते हो, टू लीगलाइज द इनकम साइड ऑफ द बजट। बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप इनकम साइड को लीगलाइज कर रहे हो कि आपका पैसा जो है वो कहाँ से आएगा, कहाँ से आता है नॉर्मली पैसा गवर्नमेंट के पास, टैक्सेस के थ्रू। और वैसे ही दूसरा है अप्रोप्रिएशन बिल, तो वो किस लिए होता है, ऑथराइज पेमेंट्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। आगे हम चलते हैं 5th पॉइंट पे। ये क्या बात करता है, बाकी सब ग्रांट्स के बारे में। कि ये तो हो गया कि पार्लियामेंट कैसे फाइनेंसिस को कंट्रोल करता है थ्रू द फॉर्म ऑफ कि किस किस तरीके से, बजट डिस्कशंस के थ्रू और हमारे कट मोशंस के थ्रू, और अप्रोप्रिएशन बिल को पास करते हुए, फाइनेंस बिल को पास करते हुए, ठीक है। तो अब हम आते हैं अदर ग्रांट्स पे कि बाकी सब ग्रांट्स के टाइम पे कैसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो ये ग्रांट्स जो है वो सारे हमें पास कराने पड़ते हैं पार्लियामेंट से, चाहे हमें सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए, चाहे हमें वोटर अकाउंट पास कराने, चाहे हमें एक्सेप्शनल ग्रांट पास कराने, चाहे हमें वोटर क्रेडिट पास कराने। तो ये सारे ग्रांट्स के लिए हमें पार्लियामेंट के पास ही जाना पड़ता है। सबसे पहला है हमारा सप्लीमेंट्री ग्रांट। अगर आपने किसी खर्चे के लिए पैसा दिया हुआ है ऑलरेडी ऑथोराइज ग्रांट्स, तो वो फॉल शॉर्ट मतलब कम पड़ जाते हैं, जितना आपने उसके लिए दिया था वो उसके लिए काफी नहीं रहा, तो आप पार्लियामेंट से वापस जाके थोड़े पैसे जो है वो फिर से ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वोटन अकाउंट। वोटन अकाउंट क्या है, वोटन अकाउंट है जब आपने अभी पूरे साल का बजट जो है वो चलाना है, पर आपको अभी बजट जो है पास होने में समय लगेगा, अभी थोड़े टाइम बाद तक बजट पास होगा। तो जब तक पूरा बजट का प्रोसीजर जो है पास नहीं हो जाता, तो आप उनसे कुछ 2 महीने के पैसे पहले से ही मांग लेते हो। तो दैट इज वोटन अकाउंट, कि आप उनसे अकाउंट के बेसिस पे कि जो आपने पहले से ही, आपको पता है कि आपने पूरा बजट का पैसा जो है वो उनसे अप्रूव करवाना है अगले एक साल के लिए, तो आप उसमें से 2 महीने का खर्चा उनसे मांग लेते हो, तब तक के लिए जब तक कि वो बाकी पैसा जो है वो पास नहीं हो जाता। तो ये जनरल डिस्कशन के पास ही बाद ही गवर्नमेंट जो है वो पास कर देती है फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेशन। तो दिस इज कॉल्ड एज वोटन अकाउंट, ओके। तो ये वोटन अकाउंट जो है वो अभी पिछले कुछ सालों से यूज नहीं किया जा रहा है, रीजन बीइंग कि हमने बजट की डेट को जो है वो आगे कर दिया। पहले जो बजट है वो ऑलमोस्ट फरवरी के एंड में या फिर 1 मार्च को पास किया जाता था, मोस्टली 29 फेब को जो है बजट पेश किया जाता था, जिसके कारण कि वो अप्रैल एंड या मई मिड हो जाता था उसे पास कराते कराते। पर अब जो बजट की डेट है वो क्या कर दी गई है, 1 फरवरी। तो इसके कारण 1 फरवरी तक उसे आगे करने के कारण ये इसकी अब जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही पैसा जो है वो पास हो चुका होता है पूरे बजट का। तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ी है,
आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या है? सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए जो कि अभी करंट सर्विसेज का पार्ट नहीं है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, उसके लिए अगर आपको एक्सेप्शनल केस के लिए पैसे चाहिए उसको आप कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। और वैसे ही है वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट क्या है कि एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड चाहिए अपॉन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो उसके लिए आपको उसका नहीं पता कि कितना करेक्टर है उसका, कितना बड़ा वो मैग्नीट्यूड रहेगा। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई न्यू सर्विस नहीं शुरू, मतलब सर्विस तो आपका एक्सेप्शनल ग्रांट में हो गया कि आपने कोई न्यू सर्विस शुरू करी, वो आपको पहले नहीं पता था कि आपको उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। बट वोट ऑन क्रेडिट बेसिकली कि अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसका कि आपको नहीं पता कि अब आगे कितना लॉस होने वाला है, कितना आपको इसके लिए पैसा जो है वो चाहिए होगा इनडेफिनिट करेक्टर, तो इसके कारण वो डिटेल्स में नहीं बताई जा सकती जो कि बजट में दी जाती है। तो ये क्या एक ब्लैंक चेक दे देता है जो लोकसभा है वो एग्जीक्यूटिव को, जिसको कि आपको बाद में पास कराना होता है कि आपने दे दिया, खाली चेक दे दिया कि आप इसके ऊपर अमाउंट भर लो जितनी आपको भरनी है और वो उतना पैसा आप कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से निकालते रहो, और बाद में जब आपका वो पैसा जो है आप यूज कर लेंगे तो बाद में आप उसे पास करवा सकते हैं सरकार से। दिस इज लाइक अ ब्लैंक चेक। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे, दैट इज क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर क्या होता है? द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री डे। पहला घंटा हर एक पार्लियामेंट्री डे का रिजर्व होता है क्वेश्चंस के लिए। तो कोई अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऐसा लिया है, मान लीजिए कि आपने कोई भी तरीके का एक्शन लिया है, फॉर एग्जांपल कि आपने कहीं पे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई पुलिस फोर्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया या फिर सरकार ने गलत तरीके से कोई न्यू पॉलिसी बनाई है, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ऊपर वहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है इस क्वेश्चन आर के अंदर। इसके अंदर दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं स्टार्ट क्वेश्चन और होते हैं नॉन स्टार्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट क्वेश्चन किस लिए होते हैं कि जिनका कि आपको रिप्लाई जो है वो ओरली चाहिए होता है, मतलब आपको वहीं की वहीं आपको उनका रिप्लाई चाहिए, और नॉन स्टार्ट होते हैं रिटन रिप्लाई वाले। तो इनका क्या फर्क होता है कि स्टार्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो वहीं के वहीं आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, तो आप उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और वैसे ही नॉन स्टार्ट जो होते हैं उनकी उन पर आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, वो वन टाइम रिटर्न रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे व्यू दे आर आस्क्ड इन व्यू टू गेटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पूछे जाते हैं ऑब्टेनिंग या फिर मिनिस्ट्रियल ओपिनियन पूछने के लिए किसी चीज के ऊपर, या फिर सिंपली हैमरिंग द गवर्नमेंट ऑन एलिस्ट वीक पॉइंट्स, या फिर आपको सिर्फ उन्हें हैमर करना है। मतलब ये तीन तरीकों के लिए, तीन चीजों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है सरकार से, या फिर आपको किसी मुद्दे के ऊपर मिनिस्टर का ओपिनियन चाहिए कि उसको क्या लगता है ये चीज सही है या गलत है, या फिर सिंपली आपको हैमर करना है गवर्नमेंट को उनके वीक पॉइंट्स के ऊपर कि आपको ये लगता है कि उन्होंने उनकी ये कमजोरी है, तो उस चीज के ऊपर आप हैमर करना है। तो दैट इज पर्पज जिसके लिए कि क्वेश्चन आर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनी ऑफ द क्वेश्चन मे बी ट्रिवियल बट सम डू कॉज ट्रेमेंडस हार्म टू द गवर्नमेंट, कि कुछ तो ट्रिवियल होते हैं, ट्रिवियल मतलब छोटे मोटे कि भाई उनसे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोई कहीं कहीं बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनसे कि बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट मोशन। नाउ मेनी ऑफ द पीपल कैन गेट कंफ्यूज विद वन थिंग इज एडजर्नमेंट एंड अनदर थिंग इज एडजर्नमेंट मोशन। बहुत सारी बुक्स में भी आप देखेंगे जो मेजर बुक्स होती हैं उनके अंदर एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट मोशन को अलग अलग से डिफाइन किया गया होता है, फिर भी बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं। एट द एंड दे ऑलवेज मार्क अ क्वेश्चन रॉन्ग ऑन दीज टू परस्पेक्टिव। एडजर्नमेंट का मतलब होता है जब आप सेशन को, कोई भी सेशन है उसको खत्म कर रहे हैं, दैट इज जस्ट एडजर्नमेंट, उसे एडजर्नमेंट मोशन नहीं कहते हैं, दैट इज एडजर्नमेंट। तो उस एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि आपको ये सेशन को जो है वो वहीं पे बंद करना है, तो उस चीज को आप कहते हैं एडजर्नमेंट। जैसे कि लोकसभा का सेशन चल रहा है तो आप कहते हैं कि एडजर्न टिल टुमोरो, एडजर्न टिल टुडे इतने बजे तक के लिए, या फिर एडजर्न साइंड आए मतलब अभी नहीं पता कब तक के लिए आप इसे खत्म कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजों को एडजर्नमेंट कहते हैं। दिस इज एडजर्नमेंट मोशन। मोशन का मतलब यहाँ पे जब इससे जुड़ जाता है वो किस लिए यूज किया जाता है? फॉर रेजिंग अ डिस्कशन इन द हाउस ऑन एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ अर्जेंट नेचर एंड ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, कि कोई ऐसा मैटर है जिसके लिए आपको अर्जेंटली किसी मैटर को डिस्कस करना है, उस चीज के लिए आप इस एडजर्नमेंट मोशन को यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एडजर्नमेंट मोशन तभी यूज किया जा सकता है इफ इट इज अलाउड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। मतलब लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन हुआ? स्पीकर। तो स्पीकर जो है जब तक इसको
एलोकेट नहीं कर देता कि हाँ आप इस मोशन को मूव कर सकते हैं, तब तक ये है हम एडजर्नमेंट मोशन को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद क्योंकि अगर ये एडजर्नमेंट मोशन एक बार पास हो जाता है तो इट सस्पेंड्स द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। जो एक बार एडजर्नमेंट मोशन पास होने का मतलब है उसके बाद और कोई मोशन जो है वो नहीं चल सकेगा गवर्नमेंट का। तो इसके कारण बहुत सोच समझ के इस तरीके के मोशन को पास किया जाता है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन ऑन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की, किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के लिए की तरफ पब्लिक अटेंशन को लेके आने के लिए इस तरीके का एडजर्नमेंट मोशन जो है वो यूज किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कंट्रोल आफ्टर एप्रोप्रिएशन, मतलब एक बार पैसे निकाल लिए उसके बाद कैसे सरकार कंट्रोल कर सकती है। उसके दो तरीके हैं, ऑडिट या फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो सबसे पहले है ऑडिट। ऑडिट कौन करता है? हमारा सरकार का सारा ऑडिट करती है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो ही इज आल्सो कॉल्ड एज गाइड फिलोसोफर एंड फ्रेंड ऑफ द पार्लियामेंट। ऑडिटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक बार पैसा निकाल लिया उसके बाद उसको चेक करते रहना कि क्या वो उसी चीज के लिए यूज हो रहा है, टू एंश्योर दैट द मनी ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट हैज नॉट बीन एक्सीडेड विदाउट अ सप्लीमेंट्री वोट एंड मनी एक्सपेंडेड कन्फर्म्स टू रूल्स। मतलब क्या है इसका कि जो पार्लियामेंट से मनी निकाली है इट हैज नॉट एक्सीडेड, मतलब एक सप्लीमेंट्री वोट के बिना उसको पैसे को उसके जितना आपने निकलवाया था उसके आगे यूटिलाइज नहीं किया गया। सप्लीमेंट्री वोट का मतलब है जो अभी हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट पढ़े थे, मतलब आपने अगर आपने अभी 100 करोड़ मांगे थे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो आपको 100 करोड़ मिल चुके हैं, पर आप 100 करोड़ से ज्यादा खर्चा कर रहे हो क्रेडिट पे कि हाँ हमें पार्लियामेंट से बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट तो पास करा ही लेंगे, पर आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको अगर 100 करोड़ मिला तो आपको उसी में ही खर्चा करना होगा, और अगर आपको उसके बाद का खर्चा करना है तो पहले गवर्नमेंट से पास करवाना होगा थ्रू सप्लीमेंट्री ग्रांट, थ्रू पार्लियामेंट आपको पास कराना होगा। दैट इज द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की, इसीलिए आप कोई भी पैसा बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। सारी कैग की रिपोर्ट उन्हें पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है जिसके बाद की वो उन पे डिस्कशन कर सकता है पार्लियामेंट। ओके, सो हियर अगेन कम्स द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज देयर आर सम पार्लियामेंट्री कमिटीज आल्सो। दीज आर सम ऑफ द कमिटीज जो कि यूज होती है टू कंट्रोल द मनी आफ्टर इट हैज बीन अप्रोप्रिएटेड, कि एक बार पैसे निकालने के बाद किस तरीके से ये यूज किए जाते हैं। एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इट इज वन ऑफ द मेजर कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो ये क्या करती है, केसेस ऑफ डिफॉल्ट या फिर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड या फिर नेग्लेक्ट ऑफ फंड, मतलब कि कहीं पे डिफॉल्ट हुआ है, कहीं पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नजर आ रही है, कहीं पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ है, मतलब जिस चीज के लिए दिया गया था उसको छोड़ के किसी और काम के लिए वो पैसों को यूज किया गया है, या फिर नेग्लेक्ट ऑफ फंड हुआ है, मतलब पैसे जो है वो दिए गए थे बट उनको उस तरीके से यूज नहीं किया गया या उन्हें छोड़ दिया गया, फंड को यूज ही नहीं किया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कैग पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रिपोर्ट करता है, जिसके बाद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको इन्वेस्टिगेट करती है और उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकती है उस पर्टिकुलर मंत्री के ऊपर। और नेक्स्ट आती है हमारी एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी क्या देखती है, एस्टिमेट करती है। एस्टिमेट करने का क्या मतलब है कि एक पॉलिसी को आप कैसे अचीव कर सकते हो विद मिनिमम पब्लिक रिसोर्सेज, कि एक पॉलिसी को अचीव करना विद मिनिमम पब्लिक रिसोर्सेज, तो उस चीज को आप एस्टिमेट, उस चीज के लिए एस्टिमेट्स कमेटी देखती है। फॉर एग्जांपल कि आपने 100 करोड़ रुपए दिए हैं सरकार को, तो एस्टिमेट्स कमेटी क्या देखेगी कि इस 100 करोड़ को आप किस तरीके से मिनिमम तरीके से बेटर चीजों के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने ढंग से इस कमेटी को यूज नहीं किया या आपने ढंग से एस्टिमेट्स नहीं लगाए तो आप 100 करोड़ को क्या करोगे कि हाँ कोई खर्चा आता जा रहा है आप उसे खर्चा करते रहोगे, बट अगर आपने ढंग से एक एस्टिमेट पूरा बुक बनाया है तो आप पहले एक एस्टिमेट लगाओगे कि हाँ मुझे इस खर्चे के अंदर से 100 करोड़ के अंदर से 10 करोड़ जो है वो इस चीज के लिए चाहिए, 10 करोड़ इस चीज के लिए चाहिए, या नेक्स्ट 30 करोड़ इस चीज के लिए चाहिए, या जिस चीज के लिए चाहिए। तो हाउ अ पॉलिसी कैन बी अचीव विद मिनिमम पब्लिक रिसोर्सेज, कि आपको
एक पॉलिसी को अगर अचीव करना है तो वो कैसे कम से कम अमाउंट के अंदर यूज की जा सकती है, उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, बेसिकली इट इज रिलेटेड विद पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स होती हैं, उन सब के लिए कमेटी टू मैनेज, ये देखने के लिए कि वो पीएसयूज के जो सारे काम है, अफेयर्स ऑफ पीएसयूज आर बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, कि उनके जो सारे काम हैं वो अच्छे तरीके से अच्छे प्रिंसिपल्स के बेसिस पर मैनेज किए जा रहे हैं कि नहीं। तो इन चीज़ों के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं हमारी, ये तीन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज बेसिकली पार्लियामेंट की ये तीन मेजर कमेटीज हैं। इन तीनों को डिटेल में भी हम करेंगे बाद में। तो ये है हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव कंट्रोल हमने पढ़ना था इस चैप्टर के अंदर, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर फाइनेंस, कि पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है पैसों को। तो हमने क्या बात की है, बिफोर अप्रोप्रिएशन यानी कि पैसा निकालने से पहले कैसे कंट्रोल करती है, थ्रू बजट डिस्कशन, थ्रू कट मोशन यानी कि डिस्कस करके। डिस्कशन दो तरीकों की होती है, जनरल डिस्कशन और वोट, डिटेल डिस्कशन एट द टाइम ऑफ वोटिंग। एंड नेक्स्ट इज कट मोशंस, तीन तरीके के कट मोशंस, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट। नेक्स्ट वी हैव पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, जो कि होता है एक्सपेंडिचर साइड पैसों को लीगलाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, जो कि होता है इनकम साइड पैसों को लीगलाइज करने के लिए। नेक्स्ट हमारी सप्लीमेंट्री ग्रांट, जिसमें कि हमने चार तरीके की ग्रांट्स की थी। अदर ग्रांट्स के अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट जो हो गई एक्स्ट्रा पैसे के यूज के लिए, वोटन अकाउंट हो गया अगर आपको बजट के पास होने से पहले उसमें से कुछ पैसा चाहिए उस चीज के लिए। नेक्स्ट हमने बात की थी एक्सेप्शनल ग्रांट्स की, एंड लास्ट हमने बात की थी वोटन क्रेडिट की, विच वॉज लाइक अ ब्लैंक चेक। एंड लास्ट नेक्स्ट हमने बात की क्वेश्चन आर, जो कि क्वेश्चंस पूछ सकती है पार्लियामेंट कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कहाँ पे किस चीज के लिए वो यूज किया है। एंड लास्ट इज एडजर्नमेंट मोशन, जिसके अंदर की सरकार को क्वेश्चन किया जा सकता है किसी भी एट द मैटर ऑफ स्पेसिफिक पब्लिक इम्पोर्टेंस, कि जो कि उस समय पे काम हुआ था उस चीज के ऊपर आपने क्वेश्चन उठाना है। और एक बार पैसा निकल जाए आफ्टर अप्रोप्रिएशन किस तरीके से यूज करती है, ऑडिटिंग के थ्रू, जो कि कैग की रिपोर्ट जो है वो पेश करता है, कैग ऑडिट करता है उसके थ्रू। और नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कमिटीज के थ्रू, जो कि परमानेंट कमिटीज एक तरीके से रहती है। तो ये सारी कमिटीज जो है वो लगातार देखती रहती है जो ये सरकार है वो ढंग से पैसा यूज कर रही है या नहीं कर रही है। और ये कैसे देखती है, थ्रू द रिपोर्ट्स ऑफ कैग, जो कैग रिपोर्ट देता रहता है, तो उसके बेसिस पे ही पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो एक्शन लेती रहती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, क्या ये कंट्रोल सच में इफेक्टिव है उतना जितनी हमने बात की है। हम एक तरीके से कहेंगे हाँ भी और कई तरीके से कहेंगे नहीं भी, कि हाँ हम, हमारे देश ने एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना रखा है लेजिस्लेचर के कंट्रोल के लिए, कि वो पैसे के ऊपर कंट्रोल रखे ताकि देयर शैल बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पर उसके कारण भी, बट उसके अलावा भी ये कंट्रोल जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यूज किया जाता है गिलेटिन मोशन बहुत ज्यादा। गिलेटिन मोशन का क्या मतलब है, एक ही जगह पे आपने किसी चीज को, अगर आपने टोटल पास कराना था बट समय की कमी होने के कारण आप इतना ही उसको पढ़ पाए, तो बाकी चीजों को आपने पास मान लिया गया, मतलब आपने बिना इस चीज के ऊपर, इतने बड़े पोर्शन के ऊपर आपने डिस्कस नहीं किया पर उसको पास मान लिया गया, इस चीज को आप गिलेटिन मोशन कहते हैं। थोड़ी सी चीज के ऊपर डिस्कस करके बाकी चीज को पास मान लेना, वहीं पे उसकी वोटिंग करा के उसको पास करवा देना। नेक्स्ट इज टाइम अलॉटेड फॉर डिस्कशन इज शॉर्ट, कि आप जिस डिस्कशन की बात कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन की आपने बात की, जो कि बिफोर अप्रोप्रिएशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो उसके लिए जो टाइम अलॉटेड होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स, छोटे मोटे मैटर्स के ऊपर अननेसेसरी टाइम को वेस्ट किया जाता है। और उसके अलावा आप जब भी ये मैटर्स को डिस्कस कर रहे हो तो सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन ज्यादा की जाती है, और एफिशिएंटली कितना काम कर रही है सरकार उसके ऊपर काम जो है वो बात जो है नहीं की जाती है। उसके अलावा यूजफुल सजेशंस फ्रॉम ऑपोजिशन आर नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि वो ऑपोजिशन है, वो उनका सिर्फ काम आप ये समझते हैं कि उनके ऊपर रख के हम इस सरकार को बनाए हैं, तो इसके कारण जब तक हमें वो, अगर वो कोई यूजफुल सजेशन भी दे रहे हो तो आप उसको नहीं मानेंगे कि नहीं हमारी सरकार जो भी तय करेगी हम सिर्फ उसी को मानेंगे, ठीक है। और उसके अलावा इट इज अ लार्ज बॉडी, पार्लियामेंट जो है वो एक लार्ज बॉडी है, तो वो
मैटर्स के टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को नहीं समझ सकती है स्पेंडिंग के। मतलब अगर आप मान लें कि देश के अंदर जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, दे आर द वन जो कि फाइनेंशियल वाली चीज़ों को कि क्या ये पैसा इतना ही यूज होगा इस चीज़ के ऊपर, क्या ये कम है, क्या ये ज़्यादा है, ओवर एस्टिमेट है या अंडर एस्टिमेट है, तो इन चीज़ों के ऊपर वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अच्छे से बता सकते हैं, ना कि हमारे इलेक्ट किए हुए वो लोग जो कि पॉलिटिकल क्लास हैं, जिनको कि समझ नहीं है फाइनेंसिस की उतनी अच्छे से। और दूसरा, ये एक लार्ज बॉडी है, तो इसके कारण ये इनके पास इतना समय नहीं होता है कि ये टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ स्पेंडिंग को बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो अब ये कंट्रोल हमने अभी पढ़ा कि कुछ चीज़ों की वजह से ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर फाइनेंसिस उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो इस कंट्रोल को हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, सजेशंस टू इम्प्रूव दिस कंट्रोल। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल सब कमेटीज बना सकते हैं, कि कुछ छोटी छोटी हम कमेटीज बना दें जिनको कि आप कंसल्ट कर सकते हैं इस कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए। ये एक तरीका है। एंड नेक्स्ट हम कह रहे हैं स्टेप्स टू इम्प्रूव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंबर्स, कि आप मेंबर्स की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाइए। एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आपको पार्लियामेंट्री कमेटीज की वर्किंग को रिफॉर्म करना है और उसको इम्प्रूव करना है, ताकि वो अच्छे तरीके से काम करके एक बेहतर तरीके से एक बेहतर रिजल्ट दे सकें। फिर हम बात करें स्पीडी कंप्यूटराइजेशन करनी है सारे जो हमारे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जो लेजिस्लेटिव सेक्रेटेरिएट्स हैं उनकी। और हम बात करें सपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स उन्हें दिए जाने चाहिए, कि अगर आप उनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर भी दें तो भी वो उतने टेक्निकल या प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं बन सकते पैसों के मामले में, तो उनको प्रोफेशनल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करें सिंप्लीफिकेशन करनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की, और ताकि वो उन रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से समझ सकें जो कि एक जनरलिस्ट लोग हैं। उसके अलावा सिंप्लीफाइड और समराइज्ड रिपोर्ट्स होनी चाहिए सारी जो पार्लियामेंट में पेश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कैग की रिपोर्ट है, तो वो एक समराइज्ड सिंप्लीफाइड तरीके से जो है वो पार्लियामेंट में पेश की जानी चाहिए, ताकि मेंबर्स जो हैं वो उसे आसानी से समझ सकें कि एक्चुअली खराबी है कहाँ पे, किस चीज़ में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्लैक कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें करनी चाहिए, ताकि इस लेजिस्लेटिव कंट्रोल को और अच्छे तरीके से किया जा सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसकी वीडियो की कमेंट सेशन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।